अगर आपने पनीर भुर्जी में ये दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पनीर भुर्जी में चार चांद लग जाएंगे। तो इस पनीर भुर्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और इस पनीर को मैं इस तरह से स्क्रैम्बल कर रहा हूँ। आप चाहो तो पनीर को ग्रेट करके डालोगे तो भी चलेगा। अब पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी चम्मच बटर। हो सके तो आप भी पनीर भुर्जी को बटर में ही बनाइएगा, उसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अब ये बटर जल ना जाए इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच तेल। जब ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और एकदम ही गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और इस जीरा को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। इस जीरा में से अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दो बारीक कट के अनियन यानी कि प्याज। और इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के से सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज को हमें बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो जब प्याज हल्के से सुनहरे हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसी के साथ इसमें जाएगी 2-3 बारीक कट की ग्रीन चिली यानी कि हरे मिर्च। आपको इस पनीर भुर्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हमें इस अदरक लहसुन और हरे मिर्च को 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। ये जो पनीर भुर्जी है ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब अदरक लहसुन और हरे मिर्च भुन जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 2 टमाटर। और इस टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये जो टमाटर है ये फटाफट से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। पनीर भुर्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है क्योंकि जो पनीर होता है वो काफ़ी फीका होता है। चलिए हमारे जो टमाटर है एकदम ही सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो इस पनीर भुर्जी में हम सिर्फ 3 मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस पनीर भुर्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसमें एक बहुत ही खास मसाला ऐड करेंगे और वो है पाव भाजी मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको भी जानना है कि घर पर पाव भाजी मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यकीन मानो इसमें पाव भाजी मसाला डालने से इस पनीर भुर्जी में 4 चांद लग जाएंगे। अब इन सारे मसालों को हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। चलिए मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब जो पनीर को हमने स्क्रैम्बल करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब इसको ढककर हम इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाए। लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुकी है और ये जो हमारी पनीर भुर्जी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि इस पनीर भुर्जी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और वो है कसूरी मेथी। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया हुआ है और इस कसूरी मेथी को हम हाथों में रख कर क्रश करके ऐड करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि घर पर कसूरी मेथी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। तो लीजिए हमारी एक गर्मा गर्म और बहुत ही डिलीशियस पनीर भुर्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। और इस पनीर भुर्जी को आप पाव के साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो या फिर चपाती या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये पनीर भुर्जी की रेसिपी और आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।